जी नमस्कार, SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 11 विषयों के जनक के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जनक या पिता कौन है। अंग्रेजी का जनक कौन है, जेफरी चौसर है। जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। जेफरी चौसर को अंग्रेजी का जनक कहा जाता है, यानी जेफरी चौसर अंग्रेजी के पिता है। जेफरी चौसर का जन्म 1343 ईस्वी में हुआ था और यह कहाँ के निवासी थे, लंदन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, लंदन के निवासी थे। चलिए इसके बाद में देखेंगे। टू नंबर, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का जनक कौन है। गणित का जनक कौन है, तो गणित का जनक कौन है, आर्कमिडीज है। गणित का जनक कौन है, आर्कमिडीज है। तो आर्कमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का जनक आर्कमिडीज है। आर्कमिडीज का जन्म कब हुआ था, 287 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और आर्कमिडीज कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। देखिए इनके बाल झड़ गया टेंशन से। इसके बाद में है थ्री नंबर, हु इज द फादर ऑफ हिंदी, हिंदी हम लोग का राष्ट्रीय भाषा है, इसका जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इज द फादर ऑफ हिंदी। हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। देखिए हरिश्चंद्र जी कैसे हैं, ये इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ के निवासी थे, भारत के निवासी थे, बनारस में इनका जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद है फोर नंबर, हु इज द फादर ऑफ संस्कृत, संस्कृत का जनक कौन है। तो संस्कृत का जनक किसको कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि इज द फादर ऑफ संस्कृत, पाणिनि संस्कृत के जनक है। चलिए पाणिनि संस्कृत के क्या है, पिता है। पाणिनि का जन्म 700 ईस्वी पूर्व हुआ था। पाणिनि का जन्म कब हुआ था, 700 ईस्वी पूर्व। पाणिनि का जन्म 700 BC यानी 700 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। भारत यानी कि उत्तर पश्चिम भारत के कहाँ, गंधार में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था, उपवर्ष। इनके गुरु का नाम क्या था, उपवर्ष था इनके गुरु का नाम। और इनको शिकार कर लिया कौन, शेर के शिकार हो गए। चलिए देखते हैं, नमस्ते गुरु जी। चलिए इसके बाद है हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक हेरोडोटस है। चलिए इसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 485 ईस्वी पूर्व हुआ था। हेरोडोटस का जन्म 485 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 485 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह ग्रीक इतिहासकार थे। चलिए इसके बाद में देखेंगे, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज है। तो इरेटोस्थनीज इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, यानी कि इरेटोस्थनीज भूगोल के पिता है। चलिए इनका भी देखिए कैसे है, यही है इरेटोस्थनीज। इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था और कब हुआ था, 276 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद है सेवन नंबर, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये है आपके एडम स्मिथ, ये कौन है आपके, एडम स्मिथ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी अंग्रेज थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। 1723 ईस्वी में, जून के महीना में 1723 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ये भी कहाँ के निवासी थे, लंदन के निवासी थे। चलिए इसके बाद देखेंगे एट नंबर, हु इज द फादर ऑफ सिविक्स, यानी कि नागरिक शास्त्र का जनक कौन है, नागरिक शास्त्र का जनक कौन है।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, यहाँ अपोजिट हो गया क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द फादर ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म जनवरी 1726 ईस्वी में हुआ था। कहाँ के निवासी थे, नॉर्थ अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1706 ईस्वी में, किसमा जनवरी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, एंटोनी लेबोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक यानी कि रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेबोजियर है। चलिए एंटोनी लेबोजियर का जन्म कब हुआ था, 1743 ईस्वी में, कब हुआ था, 1743 ईस्वी में हुआ था। कहाँ के थे, चलिए ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। देखिए किस ड्रेस में दिख रहे हैं बेचारे। इसके बाद है 10 नंबर, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, जो दांत सियारे दिखेंगे आपको, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। लग रहा है इनके मुंह में बीमारी हुआ था, उसी समय में फोटो खींच लिया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहा जाता है, फिजिक्स के जनक कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है। देखिए इनका फोटो भी कैसे है, लग रहा है कि इनको कोई दांत की बीमारी के समय में जब दिखा रहे थे उसी समय फोटो कोई खींच लिया। यही है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका जन्म जर्मन में हुआ था, या कहाँ के थे, जर्मन के थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1879 ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है 11 नंबर, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता कौन है। तो इनका जीव विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। अरस्तु देख रहे हैं आप, यही है अरस्तु। इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी एक ग्रीक व्यक्ति थे, क्या थे, ग्रीक व्यक्ति थे। इनका जन्म कब हुआ था, 384 ईस्वी पूर्व हुआ था। चलिए जय हिंद दोस्तों।